हेलो प्यारे बच्चों, तो यार फाइनली जो है ऑलमोस्ट कॉलेजों के सीयूईटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब सभी बच्चों का एक ही क्वेश्चन है कि भैया हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हमें बीटेक में एडमिशन मिलेगा। अगर मैं कॉलेजों की बात करूँ तो काफ़ी कम ऐसे कॉलेज हैं जो कि बीटेक प्रोवाइड करते हैं थ्रू द सीयूईटी मार्क्स। ऑलमोस्ट जो कॉलेज है, चाहे वो जेई मेन या फिर जोसा काउंसलिंग, सीएसएबी काउंसलिंग या फिर अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे जेई का स्कोर ले रहे हैं, लेकिन हाँ अभी भी कुछ काफ़ी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपको बीटेक जो है सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे मिल जाएगा। जिसके अंदर जो कॉलेजेज आते हैं वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जस्ट लाइक हेमवती, गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड और मेनी मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी है जो कि आपको सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। अब यार अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा क्या करता है, बेसिकली आपको एडमिशन देता है किसके बेसिस पे, CUET के बेसिस पे। अब काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है कि भैया वहाँ पे मेरे को CSE लेना है बिकॉज दिस इज नियरेस्ट एट द रेट दिल्ली, दिल्ली के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। ये जो महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है ये यूनिवर्सिटी, दिल्ली के नज़दीक काफ़ी ज़्यादा है, लगातार अपने आप को ज़्यादा ग्रो करती जा रही है। अब मेरे को यहाँ पर बीटेक करना है या फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो एटलीस्ट कितने मार्क्स आने चाहिए कि मेरा एडमिशन हो जाए, ठीक है। श्योर, जस्ट लाइक अगर अपन बात करें यहाँ पे CSE के लिए, तो जस्ट चलिए देख लें। तो गाइस यहाँ पे अगर अपन बात करें कोर्सेज की, तो सबसे पहले हमारा धमाकेदार कोर्स आता है यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद बच्चों की सेकंड प्रेफरेंस होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। सर पहले जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट को फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है या फिर CUET के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, कैसे एडमिशन होगा, क्या सारा सीन है, कितना फीस लगता है, स्कॉलरशिप किन बच्चों को मिलती है, राइट, और किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल जाएगा, तो इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर हम आपका एडमिशन प्लान लेकर आए हैं स्पेशल फॉर CUET एडमिशंस। आपका सारा का सारा एडमिशन जो है 1999 रुपए के अंदर कंप्लीट किया जा रहा है टोटली। जब तक आपकी क्लासेज स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक हमारा 24/7 लाइव सपोर्ट आपके साथ रहता है, तो यू कैन ज्वाइन नाउ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, आप जो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, फोन सपोर्ट प्लान ले सकते हैं आप। इसके साथ ही आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट या एडमिशन कॉम्बो गारंटेड एडमिशन प्लान भी ले सकते हैं जहाँ पे 100% रिफंड पॉलिसी अवेलेबल है, ओके। तो अब भाई बात करते हैं यार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए क्या कट ऑफ रहेगा इस। तो यार पिछले साल की अगर अपन बात करें CSE के लिए जो कट ऑफ गया था वो था 50%। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। लेकिन पिछले साल क्या था, पिछले साल थोड़ा CUET का क्राइटेरिया अलग था, इस बार जो है CUET का जो क्राइटेरिया वो अलग है। अगर अपन इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें यहाँ पे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ PCM मांगा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ओके। यार बहुत सारे कॉलेजों में क्या हो रहा है ना, एक बड़ा इश्यू है वहाँ पे, साफ साफ डिक्लेयर किया गया कि आपके जो लैंग्वेज के मार्क्स है वो मिनिमम 30% होने चाहिए या फिर आपके जनरल टेस्ट के मार्क्स है वो ओनली फॉर 45% होने चाहिए, राइट। तो वो जस्ट मिनिमम है, ठीक है। अगर उसके बाद आपके अगर 100 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो सिर्फ 45 को ही डिक्लेयर करेंगे। आपके अगर 45 है तो अच्छी बात है, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं बनाई जा रही है। आपकी मेरिट जो है वो तो या तो सब्जेक्ट या फिर स्पेशल डोमेन के नाम पे बनाई जा रही है, तो आप इन सभी बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसी कारण आपको मैं बोलता हूँ कि आप जो है फ़ोन सपोर्ट या फिर काउंसलिंग सपोर्ट प्लान आप ले सकते हैं ताकि आप जो अपना एक एडमिशन सिक्योर कर सकें। और हाँ, एक मजे की बात और बता दूँ, इफ़ यू आर इन्वेस्ट इन योर सेल्फ देन जो है लोग आपको जस्ट, अगर आप अपने आप पे खर्च करते हैं देन गूगल पे लोग आपको सर्च करते हैं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। पहले कुछ कोर्सेज की बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपको मिनिमम जो मार्क्स है वो कितने लाने पड़ते हैं एडमिशन के लिए। फिर जो ST SC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके तो अगर काफ़ी कम मार्क्स है, अगर आपके 10% 20% 30% भी होता है तो भी आपको जो है एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो BTEC हो, BVOC हो, BSc हो, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो। अगर मैं बात करूँ यार जनरल वाले बच्चों के लिए, तो आपका जो एडमिशन है वो ऑलमोस्ट सिक्योर रहता है टिल 70% तक। तो फॉर बेटर अपडेट के लिए आपके कौन कौन से डोमेन में कौन से मार्क्स हो, मेरा स्पेशल प्लान ले सकते हो, पर्सनलाइज आप कंसल्ट कर सकते हो मुझसे कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आपको 100% प्रेडिक्ट करके बता दिया जाता है आपकी रैंक के बेसिस पे कि
बेटा तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ऑलमोस्ट आप मान सकते हो पिछले कुछ सालों की, पिछले साल का तो थोड़ा क्राइटेरिया अलग रहता है, लेकिन जो ऑलमोस्ट जो SC ST वालों हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा लो रैंक पे हो जाता है। जनरल वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेस है, कंप्यूटर साइंस है, BVOC है, बायोमेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारे 900 में से 300 नंबर आ रहे हैं, 900 में से 400 आ रहे हैं, 600 में से इतने आ रहे हैं, 300 में से 100 ब्रांड में आ रहे हैं, ठीक है, क्या हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या हम अलग कॉलेज लें, क्या करें क्या नहीं करें। तो यार आपके सारे के सारे जो हैं हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग में डाउट सोल्व किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जनरल में टिल 70% तक है तो आप सेफ हो, ठीक है। OBC कैटेगरी के अंदर भी ऑलमोस्ट आप सेफ मान सकते हो। ST ST PWD वाले जितने भी बच्चे हैं उनके 30-40% तक या लास्ट स्पोर्ट राउंड में या फिर ऑफलाइन में तो आपके काफ़ी कम मार्क्स पे, 0 मार्क्स पे भी पिछले कुछ सालों में तो एडमिशन हुए थे। 2020 की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे बच्चों के एडमिशन जो है 0 मार्क्स पे मैंने कराए थे 2020 के अंदर, BVOC वगैरह कोर्सेज के अंदर। उस साल वैसे तो COVID-19 था, काफ़ी कम बच्चे रजिस्टर हुए थे। 2021 के अंदर भी जो है काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन हो गया था, उस साल NTA कंडक्ट कराया ही था। पिछले साल जो एग्ज़ाम है वो NTA ने कंडक्ट कराया था और इस साल भी NTA ने कंडक्ट कराया है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गया। पहले जो है एग्ज़ाम नॉर्मल होता था, पहले मेरा जनरल टेस्ट भी लगता था, इंग्लिश भी लगता था और PCM वगैरह ये सब लगता था, ठीक है। इस बार थोड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा NTA ने चेंजेस किया, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आपका डोमेन में जितने भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। वैसे नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, अगर आपको फुल सपोर्ट चाहिए दैन डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उस पर आप डिटेल चेक कर सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा UG का, उसके अंदर आप सारी अपडेट जान सकते हो कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और भी कोई क्वारी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। थैंक यू गाइस, अगर मैं आपको लिए अच्छा क्रिएट या फिर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।